अच्छा ये पाम मैं पहुंच गई, मुझे वो दिख रहा है। पाम मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ। ओह नो, उसने मुझे देख लिया, अब वो मुझे हाय बोल रहा है, मैं भी उसे हाय बोल रही हूँ हंसते हुए। पाम मैं बाद में बात करती हूँ। हाय कुणाल। हाय डॉली, कैसी हो? ठीक तो बिल्कुल नहीं हूँ, मिलने के लिए थैंक्स। नो प्रॉब्लम डॉली। नहीं नहीं, वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है डॉली। मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। माफी? किस लिए? वो बैडमिंटन खेलने से मना करने के लिए। ओ वो? नहीं नहीं कोई बात नहीं। नहीं नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि तुम मेरी सबसे खास दोस्त हो, तो जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद होना चाहिए, और अगर तुम्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है तो मुझे भी बैडमिंटन खेलना पसंद होना चाहिए। कुणाल, मुझे बैडमिंटन खेलना इतना भी पसंद नहीं, पर जब हम नापसंदी की बात कर ही रहे हैं तो मैं... एक मिनट डॉली, इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। एक लेदर जैकेट बिल्कुल तुम्हारी जैसा, जिसके पीछे लिखा है I heart Kunal। तुम्हें पसंद आया? हाँ बिल्कुल, पसंद क्यों नहीं आएगा, तुम कुणाल हो मेरी खास दोस्त। अब तुमने ये बात जैकेट पे लिख दी, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। सच? तो जल्दी से इसे पहन कर देखो। ठीक है। वाह क्या कमाल लग रही हो, अब तुम जब बाइक पे मेरे पीछे बैठोगी ना तो सारी दुनिया तुम्हारी इस जैकेट को देखेगी और सबको पता चल जाएगा कि आई हार्ट कुणाल। ये सब क्या चल रहा है? हमें आपसे जरूरी बात करनी है। ओ क्या तुम्हें पता चल गया कि हमारा चिकन असली में क्या है? नहीं। क्या तुम्हें पता चल गया कि हम हमारे चिकन को क्या खिलाते हैं? नहीं। नहीं? तो तुम ही मुझे क्यों नहीं बता देते कि बात क्या है? हमें कॉन्ट्रैक्ट वाली सैलरी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वाली सैलरी हम अगले सेल्स मीटिंग में डिस्कस करेंगे, जो है 5 अक्टूबर को। ऐसा तो कोई महीना ही नहीं आता है ना रोहन? देखो आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और हमारी बात को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम सबको पूरी सैलरी चाहिए। अच्छा, और अगर मैं नहीं मानू तो क्या करोगे? स्ट्राइक करोगे? हाँ करेंगे। नारे लगाओगे? वॉकआउट करोगे? हाँ, अगर स्ट्राइक का वही मतलब है तो बिल्कुल वही करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो चलो सब लोग। सब के सब रोते हुए वापस आओगे? कभी नहीं। मुझे वापस अंदर जाना है, बाथरूम। बाथरूम? नहीं, अब हम स्ट्राइक पर है। क्या स्ट्राइक पर? हाँ। वैसे स्ट्राइक में करते क्या? हाँ मुझे नहीं पता, पर जब तक पता चले हमारे कस्टमर्स के लिए रास्ता छोड़ो। इतने इतने मजा करिए, चिकन लॉली जरूर ट्राई करना, नई आइटम है। माँ, माँ, डॉली तू यहाँ क्या कर रही है? माँ मुझे आपकी एक सलाह चाहिए। डॉली मैं काम कर रही हूँ। माँ लेकिन ये एक लड़की का मामला है। ओहो डॉली, फिर तो हम रात को भी बात कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर के टॉयलेट में पानी जम गया है, हिमानी सिंह जल्दी से चेक करो। मिस आशा, क्या आप ये टॉयलेट वाला प्रॉब्लम संभाल सकती हैं? मैं ना अपने घर का बहुत सीरियस प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, प्लीज। हाँ अब बता क्या हुआ? मैं क्या बताऊँ माँ, अब खुद ही देख लो। आई हार्ट कुणाल? डॉली मुझे तो लगा तू इस लड़के से अपनी दोस्ती तोड़ने वाली है। वही तो करने की कोशिश कर रही थी माँ,
जब उसने मुझे ये जैकेट दी। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। देख डॉली, ये बातें ना कभी भी आसान नहीं होती। तू इनको जितना टालेगी ना, उतना तेरे लिए मुश्किल होता जाएगा। तू बस ठान ले, अगली बार जब भी तुझे कुनाल मिलेगा ना, तू उससे अपनी दोस्ती तोड़ देगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो माँ, जब अगली बार वो मिलेगा तो ये मामला खत्म कर दूंगी। हाय डॉली। हाय कुनाल। कुनाल, ये सब कैसे हुआ? वो मैं बाइक चला रहा था और रास्ते में मैंने एक दुकान पर देखा कि एक साइन था, उस पर लिखा था 50% ऑफ ऑन बेबी डॉल्स, और डॉल से मुझे डॉली की याद आई और मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं मिसेस चोपड़ा के गार्डन में गिरा हुआ मिला। डॉली, इस बार नहीं, अगली बार।